फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसी प्लांट को अगर आप आने वाली सर्दी में भी इसी तरह से हरा भरा रखना चाहते हैं तो आपने तुलसी प्लांट के ऊपर क्या क्या काम करना है। तुलसी जी बहुत ही होली प्लांट होता है, बहुत ही शुभ प्लांट होता है। हर घर में ये होता है, हर घर में लगाना भी चाहिए और इसकी पूजा की जाती है और इसको मेडिसिनल उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो तुलसी जी प्लांट की बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसको हरा भरा रखने के लिए इसके ऊपर जितनी भी मंजरी होती है उस मंजरी को आपको कट करना चाहिए। देखिए, जितनी भी सूखी ब्रांचेज हैं सब सूखी ब्रांचेज को आपको कट करना चाहिए ताकि ये प्लांट जो है नीचे से अपना आपका घना होता रहे। तो जितने भी तुलसी की ऊपर ऊपर की टिप्स हैं उन टिप्स को आप कट कर दीजिए ताकि प्लांट आपका हरा भरा रहे और नीचे से नई नई ब्रांचेज निकालता रहे। तो इसी तरह से तुलसी जी की आप कटिंग प्रूनिंग करते रहें। अभी सर्दी का मौसम आने से पहले आप तुलसी जी के ऊपर जो भी काम करना चाहते हैं वो कर लीजिए। इसकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी है कि घर में कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। आपको तुलसी प्लांट लगाना है और इससे पूरी मेडिसिनल वैल्यू इसकी यूज़ करनी है। तो जितनी भी इसकी सूखी पत्तियाँ हैं या फिर सूखी ब्रांचेज हैं सबको आपको कट करते रहना है और जितनी इसके ऊपर मंजरी निकलती है उस मंजरी को आप कट करते रहिए, क्योंकि जब मंजरी इसके ऊपर बनती है तो प्लांट जो है नीचे से सूखता जाता है, वो सोचता है मेरा टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए तुलसी जी के ऊपर मंजरी ना बनने दें, निकालते रहें और इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहें। अब अगर इसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे आपने इंसेक्ट को हटाना है। जैसे कि तुलसी जी के ऊपर आप देख रहे हैं काले काले जो है एफिड्स का अटैक हो जाता है, ब्लैक कलर के ये एफिड जो है तुलसी जी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो तुलसी प्लांट को हरा भरा बनाए रखने के लिए इसका ट्रीटमेंट भी हम करेंगे। तो क्या करेंगे, बने रहे हमारे साथ, मैं बताती हूँ आपको आने वाले अभी वीडियो में। तो पहले हम करेंगे इसकी गुड़ाई। देखिए, इसको हरा भरा रखने के लिए न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले इस नए प्लांट को लगाया था, एक महीना पहले। तो देखिए प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इसकी हम अच्छे से पहले गुड़ाई कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ी सॉयल आपको ज़्यादा लगती है, सॉयल को बाहर निकालेंगे। इस तरह से सॉयल को हमने गमले से बाहर निकाल लिया है। अब इसमें डालने वाले हैं हम, ये हमने लिया है काउडंग कंपोस्ट। दो मुट्ठी काउडंग कंपोस्ट मैं तुलसी जी के प्लांट में डाल रही हूँ ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो और इसमें नई नई शूट्स निकलें, नई नई ब्रांचेज इसमें निकलें, प्लांट हमारा घना हो जाए और आने वाले विंटर सीजन में ये हरा भरा रहे और प्लांट जो है हमें। इसमें मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट है मेरे पास, थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी मैं इसमें मिला देती हूँ। हिबिस्कस प्लांट में डाल रही थी उसमें से बचा हुआ एप्सम सॉल्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम, देखिए एक ये है नीम खली, एक चम्मच नीम खली मैं तुलसी जी के प्लांट में डाल रही हूँ। नीम खली भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि प्लांट में फंगस ना लगे। और ये है मेरी यूज़ की हुई चाय पत्ती, यूज़ की हुई चाय पत्ती को सुखा के रखा हुआ है। ये हमारे तुलसी प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, इससे प्लांट में न्यू लीव्स निकलती हैं। ये इलायची के छिलके भी जो है इसके लिए अच्छे हैं। आप देखिए, एक मुट्ठी चाय पत्ती मैं इसमें डाल रही हूँ, एक मुट्ठी के करीब मैंने इसमें चाय पत्ती मिक्स कर दी है। तो हमें तुलसी प्लांट को फंगस से भी बचाना है, उसके लिए मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर। एक चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसके सॉइल में मिक्स कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम जो है इसके सॉइल में मिक्स कर देंगे अच्छे से। तुलसी जी के सॉइल में हम इस फर्टिलाइज़र को हमने मिक्स कर दिया है, जो सॉइल हमने निकाली है उसी को हम इसके ऊपर डाल देंगे। हमने फर्टिलाइज़र ऐड कर दिए हैं, अब हम करेंगे इसमें वाटरिंग। तो हम देख रहे हैं कि हमारे तुलसी प्लांट में थोड़ा सा एफिड्स का अटैक है। इन एफिड्स के अटैक को हटाने के लिए हमने क्या करना है, एक लीटर वाटर बॉटल में हमने हल्दी, एक लीटर पानी ले लिया है। और एक लीटर पानी तो नहीं है, हमने आधा लीटर पानी लिया है क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर हमने स्प्रे करना है। और आधा चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर मिला लिया है। हल्दी पाउडर आप पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे
ताकि प्लांट के ऊपर जितने भी एफिड्स का, चींटियों का अटैक है वो हट जाए, वो निकल जाए, आपका प्लांट जो है अच्छे से सेफ हो जाए। इस तरह से आप इसके ऊपर जितनी भी सूखी ब्रांचेस हैं आपने रहने नहीं देनी है, बिल्कुल उसको कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी इसकी कटिंग की थी, तो प्लांट के ऊपर देखिए छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं, न्यू लीव्स निकल रही हैं, तो प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव कर चुका है, क्योंकि मैंने इसको अभी 15 दिन पहले ही इस प्लांटर में लगाया था। प्लांट इसकी जो लीव्स हैं, आपको जब भी आपने इसकी लीव्स का सेवन करना है, इसको चबाना नहीं है, बस इसको इसी तरह से मुंह में रख के आपने इसको निगल जाना है, यानी कि इसी तरह से इसको स्वेलो करना है पानी के साथ। आपने इसको बिल्कुल भी निगल दांत के नीचे नहीं दबाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है पारा होता है, इनकी इसकी लीव्स में पारा होता है, पारा जो है अगर आपके दांत में टच करता है तो वो आपके दांत भी ख़राब कर सकता है। तो इसी तरह से होली लीव्स, होली तुलसी जी को आपने बिल्कुल भी दांतों के नीचे चबाना नहीं है। तो ये हमारा इसका नुस्खा है। इसी तरह से मेरी स्प्रे बॉटल ख़राब हो गई है गाइस, स्प्रे बॉटल मुझे लानी पड़ेगी। तो स्प्रे बॉटल जो है बहुत बेनिफिशियल होती है, मैं पता नहीं कहाँ पे रख के भूल गई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, आप सब जानते हैं कि एक गार्डनर के लिए कितना मुश्किल होता है सभी प्लांट्स को संभालना, उसके ऊपर काम करना। देखिए ये हल्दी पाउडर, हल्दी स्प्रे का स्प्रे हमने तुलसी जी के ऊपर कर दिया है। ये हमारा प्लांट जो है अब आने वाले टाइम में एफिड से बच जाएगा और प्लांट हरा भरा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने तुलसी प्लांट की केयर कीजिए, इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए और आने वाले टाइम में अपने प्लांट को बचा कर रखिए, हरा भरा रखिए। ये छोटी छोटी दो तुलसी प्लांट हमारे ये हैं, ये अपने आप सीड से ग्रो हो गए थे, तो इनको मैंने इसी में रहने दिया, और इसकी भी हम थोड़ी थोड़ी कटिंग प्रूनिंग कर लेंगे। जितनी भी इसकी सूखी सूखी ब्रांचेज हैं इनको भी कट कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल आपने इसको अच्छे से प्रून कर देना है, जितना सूखा इसके ऊपर सूखा सूखा ब्रांचेस हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है, ये देखिए। और इसकी भी हल्की हल्की हम प्रूनिंग करेंगे ऊपर से, ताकि नीचे से हमारी न्यू ब्रांचेस निकलें और न्यू शूट्स निकलेंगी, तो प्लांट हमारा नीचे से बुशी बन जाएगा। कटिंग करने के बाद अब इसकी साफ़ सफाई करेंगे, सॉइल की साफ़ सफाई अच्छे से करनी है आपने। इसमें भी थोड़ा सा हम कंपोस्ट ऐड करेंगे, ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिले और आने वाले विंटर सीजन में ये वाले प्लांट्स भी हमारे अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। देखिए इसको भी, ये बिल्कुल साइड में इस तरह से लगा हुआ प्लांट है, ये खास से काम कर रही हूँ मैं इसमें। और इसमें हम डालेंगे एक एक मुट्ठी काउडंग कंपोस्ट। आप देख रहे हैं छोटे छोटे गमले में लगा हुआ है, ये मैं काउडंग कंपोस्ट ले रही हूँ, एक मुट्ठी में इसमें डालूँगी और एक मुट्ठी में दूसरे पॉट में डालूँगी, देखिए इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी डालूँगी मैं इसमें चाय पत्ती, ये सूखी हुई चाय पत्ती है, इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा पिंचिंग, मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चाय पत्ती मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। पॉट के सॉइल में फर्टिलाइज़र को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें वाटरिंग करेंगे, अभी मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। और इसको भी हम अच्छे से धूप वाली जगह में रखेंगे, क्योंकि हमने इसको रिपॉट नहीं किया है, धूप में ही रहने देंगे हम प्लांट को। बिल्कुल अच्छे से हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर दिया है। तो ये दो प्लांट भी हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं विंटर सीजन के लिए। और इंसेक्ट के लिए हम इसके ऊपर वैसे ही हल्दी पाउडर का स्प्रे करेंगे, अभी मैं इसके ऊपर स्प्रे करने वाली हूँ, दोबारा से बनाऊंगी, स्प्रे मेरा ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह से हमने ये वाले प्लांट भी अपने विंटर सीजन के लिए तैयार कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साथ में आपको दिखा दूँ न्यू प्लांट में, एक जोरा प्लांट में मेरे ये फ्लावर्स निकले हैं। देखिए पिंक कलर के फ्लावर का बंच है, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।